What's up guys, this is Vineet and welcome back to my channel. So, आज का जो वीडियो है वो ये है बेसिकली जो लास्ट 3 months से लॉकडाउन था. सो आई यूज़ टू गो टू समवेयर और मैं हर वीकेंड पे वहाँ जा रहा हूँ. चलो आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ. बहुत मेरी यादें जुड़ी हैं वहाँ से और इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शायद हम कुछ टाइम बाद बेंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं, तो मैं ये अपने लिए थोड़ा सा मतलब मेमोरी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो इस करके वीडियो बना रहा हूँ. सो लेट्स गो एंड एन्जॉय दिस सिनेमेटिक वीडियो. हम पहुंच तो गए हैं लेकिन यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि ये रुक जाए और उसके बाद आपको मैं ये जगह दिखाता हूँ. बारिश रुक गई है और हम यहाँ आए हैं. देखो फटक भी बंद हो गए हैं. अब व्हीकल तो नहीं, भैंसे दिखती हैं ज्यादा. चलो उनके लिए फटक बंद कर दिए हैं. हाँ नहीं तो ये प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन. इंसान तो फिर भी रुक जाएंगे, ये तो रुकेंगी भी नहीं. या तो ट्रेन रुकेगी या फिर आज हो गया रहेगा गांड. अच्छा चलो इनको दिखाओ ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू. ये वाला पहाड़ दिखाओ ना इनको. बैक ट्रैक देखो, स्टेशन दिखाता हूँ यार. इतना मजेदार है ना, मतलब रेलवे स्टेशन में बंदा जो ट्रेन की वेट कर रहा होता होगा ना, वो भी बोलता होगा कि लेट हो जाए यार ट्रेन. सो गाइस ट्रेन आ गई. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दैट सिनेमैटिक वीडियो. और अब वी आर एट रेलवे स्टेशन, बेगड़ेवाड़ी रेलवे स्टेशन. तो पास में ही है, मतलब 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स इट विल टेक फ्रॉम यू नो दैट वो फाटक से रेलवे स्टेशन आने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं. तो मैं जब भी आता हूँ तो थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करता हूँ और थोड़ा टाइम यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन आता हूँ. सो वी आर एट रेलवे स्टेशन नाउ. सो यू कैन सी ऐसे लगता है कि मतलब शांति जगह पे आ गया है. अब ये देखो, ये सामने पहाड़, ये पीछे ग्रीनरी, शांति, कोई शोर नहीं यहाँ पे. तो अगर किसी की ट्रेन भी लेट हो जाए ना, अगला शिकायत ही ना करे, अगला कहेगा ठीक है यार बढ़िया है कोई नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है. इतना अच्छा जगह है, मतलब मैं तो हर हफ्ते आ जाता हूँ यहाँ पे और मेरे रेलवे स्टेशन के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हैं. एक दिन कभी फुर्सत मिली ना तो एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, या कभी स्टोरी शेयर करूंगा. बहुत मेरा रेलवे स्टेशन के साथ ना और रेलवे लाइन ट्रेन्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बचपन से लेके आज तक. इस करके ही मुझे रेलवे स्टेशन ज़्यादा पसंद आते हैं, खास करके वो जो शांत हो जा. ऐसा नहीं ना, मतलब जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं कचर 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 स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही है और वो नहीं, ऐसा स्टेशन यार ये देखो कितना क्या मतलब अलग ही मज़ा है भाई. बादल हैं, हवा देखो, मतलब पता नहीं आपको शोर भी शायद आ रहा हो क्या पता, लेकिन क्या हवा है, क्या माहौल है. ये देखो बार बार दिखाने का मन कर रहा है. और जो चीज़ एक्चुअल में एक्सपीरियंस मिलता है वो तो मतलब कैमरे में वो चीज़ तो कभी शायद आए भी ना, जो एक्चुअल में यहाँ पे बैठ के आराम से चुपचाप मज़ा करो. तो गाइस ट्रेन आ रही है, सिग्नल ग्रीन हो गया है. ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
और इधर से ट्रेन आ रही थी, आवाज आ रही होगी, टाइम का तो पता ही नहीं लगता यहाँ पे। बैठ के गप्पे मारो, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, चिप्स ले आओ, सब ले आओ। यहाँ वो आ गई, ये देखो, आहा, सनसेट, ट्रेन, हिल, हवा, शांति। बाय बाय गाइस, सी यू ऑल, टेक केयर। ट्रेन भी खत्म, हम भी जा रहे हैं, रात होने को है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड नाइट, गुड इवनिंग।